तो इसी बोथ ऑफ देम वन बाय वन पहले काइनेटिक एनर्जी की डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द वर्चू ऑफ मोशन, है ना। ट्रेन मूविंग और कार मूविंग, बाइसाइकिल मूविंग, स्टोन थ्रोन, है ना। तो सो मेनी एग्जाम्पल, हैमर, फास्ट मूविंग हैमर, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू द वर्चू ऑफ मोशन, एंड ड्यू टू द मोशन इट कैन डू द वर्क ऑल्सो, है ना। कभी कभी बहुत हाइट से, जैसे वाटर फॉलिंग डाउन, है ना, फ्रॉम द हाइट इट रोटेट्स द टर्बाइन्स एंड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, विंड की यूज करते हैं, विंड टर्बाइन, अपना विंड मिल्स, विंड एनर्जी, विंड इज काइनेटिक एनर्जी, इट वंस इट मूव इट ब्लोज एंड रोटेट्स द विंड मिल्स एंड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट पॉइंट, अच्छा कल वी कैन हैव द क्लास जो कल मिस हुआ था ना, पहले उसका कर लेते हैं। टुमारो कैन वी हैव द सेम टाइम? यस सर, शर्मा सर ने बोला था वेंसडे को देने। हाँ ठीक है, वेंसडे कर लेते हैं, सेम टाइमिंग रखते हैं, बिकॉज़ आई हैव द अदर क्लासेस आल्सो। सर हमारी कल हाँ सर, पर हमारी मैथ्स क्लास है, मैथ्स क्लास 2:30 to 3:15। अच्छा ठीक है, 3:20 पर रखेंगे और 4:00 तक रखेंगे, बिकॉज 4:00 आई हैव द अदर क्लास। ठीक है, ओके सर। तो 3:20 है ना सर, को बोल देंगे 5 मिनट का ब्रेक दिया सर ने, उसके बाद क्लास रखेंगे। अगर मेरा दूसरा क्लास 4:14 से हुआ तो फिर आई विल टेक इट अप टू 4:10, है ना। अगर 4:00 हुआ तो, बिकॉज वो कभी कभी वेरी होता है, कभी 4:00 होता है, कभी 4:15, तो वी लेव फ्रॉम 3:20 ऑनवर्ड्स शार्प। सर ज्यादा लेट तो नहीं करेंगे? लेट तो नहीं करते जनरली? करते क्या? नहीं नहीं, बोल देना सर, फिर बोल देना सर, फिजिक्स क्लास है 3:20 से, तो वो छोड़ देंगे। तो लेट नहीं करते, पहले से याद कर रखना, ठीक है, ओके। तो रिलेशन ऑफ के, इसका डिराइव किया था हमने, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? जल्दी से सोच के बताओ, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? ए बॉडी हैज द मास m मूविंग विद द स्पीड v, हाउ मच विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम? मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? v को स्क्वायर कर दो और नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, इट इज स्पीड इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आल्सो। तो लेट्स सी हाउ डू वी गेट दिस, इफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद दिस वेलोसिटी, लिखा क्या मैंने, स्पीड, ठीक है, वैसे तो moving with the speed u, force F is applied for displacement as its velocity becomes, its speed becomes. Right, textbook में velocity लिखा होगा, doesn't matter, proper word is speed, becomes V, let A be the acceleration. तो currently third equation, उसकी equation of motion, यहाँ से S निकाल लिया, S के लिए solve कर लिया, and work done is force into displacement, S ki value put kar di, and since F is equal to ma hota, so F ki value ma put kar di, S ki value ye put kar di. If you simplify further, A will get cancelled, 1/2 half aa gaya mass into, so this is nothing but a change in kinetic energy, niche likha hai, theek hai. पहले हमने इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड विल बी जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, हाफ एम ई स्क्वायर, तो टर्म हाफ एम ई स्क्वायर इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी,
एंड वर्क डन, यहां से देखो वर्क डन था, ये वाला रिलेशन, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस वर्क डन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये जो वर्क डन है ये दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अगर इनिशियली जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ एम ई स्क्वायर. इनिशियली अगर कुछ स्पीड से चल रही है उसके ऊपर फोर्स लगाया उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई स्क्वायर हो गई ना. तो इनिशियल फाइनल कितनी हो गई, हाफ एम ई स्क्वायर, इनिशियल हाफ एम ई स्क्वायर. तो इनिशियल ऑलरेडी थी उसके पास ड्यू टू इनिशियल फोर्स कोई होगा. फिर जब हमने वर्क लगाया उसके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट एस तक, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ई स्क्वायर हो गई. तो जो फोर्स का वर्क डन है दैट उसी ने काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट चेंज की, पहले इतनी थी बाद में इतनी. चेंज इज इक्वल टू वर्क डन, यहाँ पे लिखा हमने वर्क इज वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट. और ये इस पे भी न्यूमेरिकल है. और इफ रेस्ट से चलती है, अगर आई मीन अगर बोला जाए कितनी काइनेटिक एनर्जी है पर्टिकुलर मोमेंट पे, तो यू सी मास कितना है, स्पीड कितनी है, उससे उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. ठीक है, उस मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी अगर हमें उसकी मास एंड वेलोसिटी पता है. तो इफ इफ स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर स्पीड जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज इंक्रीज कितनी हो जाएगी. बोलो कितना परसेंट बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी. सर ये कर लिया था आपने. बोलो अच्छा ट्रिपल कर दो, ये कह रहा था ट्रिपल का करता हूँ. The speed of moving object becomes triple. Find percentage increase in its kinetic energy. कितना आ रहा है बोलो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ही है, के ही वन. फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और उसके बाद जो है परसेंटेज चेंज निकालेंगे. परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू इनिशियल, ओके परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज अपॉन फाइनल, चेंज अपॉन इनिशियल है ना, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100, चेंज 9K माइनस KE1 अपॉन KE1 इनटू 100,
800%। अच्छा वन थर्ड हो गई तो इफ स्पीड बिकम्स वन हाफ, इफ स्पीड बिकम्स हाफ फाइंड परसेंटेज चेंज। परसेंटेज रिमेनिंग है, फाइंड परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग। कितनी बची, बोलो। आ रहा कुछ आंसर सर? सॉल्व कर रहा हूं। ओके सॉल्व इट आंसर। और क्विकली रिप्लाई करो। सर 25% 25% रिमेनिंग। अदर्स व्हाट अबाउट अदर्स? सर 50 चेंज के 15 50% रिमेनिंग। अच्छा 25% कैसे, मतलब चेंज कितनी हुई? व्हाट इज द चेंज सर? चेंज परसेंट? हाँ चेंज परसेंट सर, मेरा -75% है। अच्छा माइनस मींस तो 175 भी हो सकता है ना, 175 भी हो सकता है। चेंज 75% है तो मेरा -50 कैसे? चलो बताओ -50 कैसे। K2 कितनी आई बोलो? One by fourth of K1. One by fourth of half mv square, which is K1.
हाँ सर ये सही आया। ठीक है तो वही परसेंटेज चेंज निकाल लेते पहले, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू 100। चेंज में क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल के टू माइनस के वन अपॉन के वन इनटू 100 है ना। के टू इज 1/4 ऑफ के वन, अब के इनिशियल तो सभी में आई है तो वो कैंसिल कर दो कॉमन लेके, बाद बचा गया 1/4 माइनस वन अपॉन वन इंटू 100। ये कितना आ रहा, माइनस 25% आ रहा। तो माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस मीन्स डिक्रीज, प्लस आता तो इंक्रीज, देयरफॉर डिक्रीजेस बाय 75%, देयरफॉर रिमेनिंग 100 माइनस 75 इज इक्वल टू 25%। इनिशियल को 100% लेंगे, 75% डिक्रीज हो गई, 25% बची। क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस में 11th 12th में भी जरूरत पड़ती, कंपटीशन में भी जरूरत पड़ती, और यहाँ भी आ सकते हैं परसेंटेज के कभी कभी क्वेश्चन दिखते। क्लियर टू ऑल? यस सर। इसका आंसर बताओ, चलो ये क्वेश्चन का जल्दी से करो, फिर ये लास्ट टॉपिक है। फाइंड द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में रिलेट करना है। सर ये हो गया था, फिर से करके दिखाओ। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत दिन का गैप हो गया ना, इसलिए रिवीजन भी कर रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन चेंज भी करके दे रहे हैं। कैसे करते हैं बताओ, पहले क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिख लेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके बाद बिकॉज एम इन टू वी इज मोमेंटम, तो v स्क्वायर है अपने पास सर, m और सर m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, m से अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो ऊपर अपने सॉरी ऊपर जो है अपने पास m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m, m स्क्वायर v स्क्वायर इज नथिंग बट p स्क्वायर बाय 2m। तभी क्या है, देखो अभी इन दोनों के बीच में रिलेशन होंगे k एंड p, और मास तो कांस्टेंट होता है, अभी बोला जाए p डबल हो गया, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, अगर इससे निकालने बैठेंगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पी इस पे रहते हैं, रिलेशन पी स्क्वायर पी का काइनेटिक एनर्जी, ये नहीं भी है तो हमें आना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग तो पढ़ा है हम लोगों ने, वी हैव सीन लीनियर मोमेंटम, बट यू में से नहीं इट इज लाइक दिस, कि हम ऐसे भी कर सकते थे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी इंटू वी, तो p into v by 2, but this is not standard because अगर momentum change होगा तो बोला दो दो variables हो गए, इसमें mass constant है, एक ही variables है, purely k and p, mass is constant, यहाँ पे v constant नहीं है, momentum बढ़ता है तो v भी बढ़ता है, v बढ़ा तो momentum बढ़ा, दोनों interrelated है, तीन quantities क्या हो गया, यहाँ भी तीन है but m is constant generally, so this is most commonly में भी हेल्प करते हैं। दैट्स ऑल, कल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी से हमें स्टार्ट करना था, थोड़ा ये और रिवाइज करके वील स्टार्ट पोटेंशियल एनर्जी, उसके न्यूमेरिकल्स एंड देन पावर, पावर इज द रेट ऑफ वर्क डन,
कितना फास्ट काम करते हैं उतनी ज्यादा पावर है ना, टाइम कम लगाए तो पावर ज्यादा होती सेम जॉब करने के लिए, सेम वर्क डन करने के लिए. ओके, विल सी दीज टू टॉपिक्स टुमारो. ओके, दैट्स ऑल देन. थैंक यू. थैंक यू सर. बाय. थैंक यू.